बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिदा जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में अनाउंसमेंट होने वाली जॉब्स की डिटेल और उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। आपने वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है और अगर फिदा जी के चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बगैर किसी देर के साथ चलते हैं हम आज के जॉब एड की तरफ। आपको अभी ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये है इसका चलान फॉर्म, सॉरी इसका एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं कि वैकेंसी कौन कौन सी है। आपको इधर ये स्क्रीन पे एडवर्टीजमेंट नजर आ रही है जिसमें ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर है, उसके बाद मोटरवे हाईवे, यानी ये सेक्टर बनाए गए हैं और इस हिसाब से ये इस कॉलम में उन्होंने बताए हैं डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ या रीजन जहाँ जहाँ से लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ये मुख्तलिफ किस्म की जो वैकेंसीज हैं उनकी डिटेल दी गई है। तो इसमें ये नॉन यूनिफॉर्म स्टाफ है जिसमें उन्होंने भर्ती करनी है, ये बेल्ट फोर्स नहीं है या कांस्टेबल या ईएससी वगैरह की वैकेंसीज नहीं है। उनकी भी वैकेंसीज अनाउंस होगी लेकिन कुछ दिन के बाद। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियर देख सकें। आप इसमें देखें, डिस्पैच राइडर की है, प्लम्बर की है, इलेक्ट्रिशियन की है, ऑर्डरली की है, हेल्पर की है, हेल्पर कुक की है, और उसके बाद कुक अलग से है, माली की है, उसके बाद बार्बर की है, वॉशरमैन है, स्वीपर है, हेल्पर फिर अलग से है। तो इनकी ये मुख्तलिफ वैकेंसीज बताई गई है मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिहाज से, ये आप इधर डिटेल देख सकते हैं। अब इसके अलावा इसका अप्लाई का तरीका कार क्या है और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, 18 से 25 साल एज लिमिट है अप्रोक्सीमेटली हर एक के लिए। और उसके बाद इसका अगर देखें तो अगर आप लोगों ने अप्लाई करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, उस लिंक पे आप क्लिक करके चलान फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई चलान फॉर्म नहीं होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड करके उसके बजरिया कुरियर अप्लाई कर सकते हैं। अब कैटेगरी कैंडिडेट वो कह रहे हैं, कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल के कैस्ट्स और कम्युनिटी, यानी जो है अपने अलग से वो उनको एज रिलैक्सेशन दी गई है, यानी जो माइनॉरिटी में आ जाते हैं उनके लिए, रूरल एरियाज के लोग हैं। और उसके अलावा बाकी कुछ कोटा वगैरह है वो आप इसकी डिटेल इस एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं, मैं इसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।